हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 को समझा दिया था, तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द एरिया ऑफ ए रम्बस इज 98 मीटर स्क्वायर इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 मीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। तो सवाल आपके सामने आप देख सकते हो। तो सवाल में यहाँ पर गिवन है हमें कि एक रॉम्बस का एरिया हमें गिवन कर दिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 98 मीटर स्क्वायर जो है, यहाँ पर ये क्या है, रॉम्बस का एरिया है। अच्छा, फिर यहाँ पर आगे लिखा है कि एक डायगोनल का जो मेजरमेंट है, रॉम्बस का जो डायगोनल है, रॉम्बस का एक्चुअली यहाँ पर दो डायगोनल होते हैं, तो एक जो डायगोनल है उसका मेजरमेंट हमें यहाँ पर गिवन कर दिया 14 मीटर। तो हमें दूसरे डायगोनल के बारे में पूछ रहा है। तो बच्चों, इसके लिए एक डायरेक्टली एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ रॉम्बस का, जो डायगोनल पर डिपेंड करता है, तो वो फॉर्मूला आप पुट कर दो। तो अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर दो फॉर्मूला है एरिया ऑफ रॉम्बस का, आपने बताया था बेस इनटू हाइट। यस, बेस इनटू हाइट एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला है टू फाइंड द एरिया ऑफ रॉम्बस व्हेन डायगोनल्स आर गिवन। तो यहाँ पर डायगोनल का एक जो है कॉन्सेप्ट, वो आप समझो इस चीज को, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपके एक बुक के एग्जाम्पल में समझाया गया है। मैं डायरेक्टली वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर आप चाहते हो फॉर्मूला कैसे आया बताने के लिए, तो मुझे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करो कि वो फॉर्मूला आपको जानना है कैसे आया, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्टली पुट करके मैं आपको यहाँ बता दूंगा। अगर आपको जाना है तो मुझे कमेंट करो, मैं उसके लिए एक सेपरेट अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि एरिया ऑफ रॉम्बस का जो फॉर्मूला है वो आया कैसे। तो चलो मैं आपको बता दूं कि एरिया ऑफ रॉम्बस का जो फॉर्मूला, जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो फॉर्मूला है क्या। तो देखो, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अभी एरिया ऑफ रॉम्बस का एक फॉर्मूला है 1/2 × d1। d1 का मतलब क्या होता है, डायगोनल 1 × d2। d2 का मतलब होता है डायगोनल नंबर 2, ठीक है। दो डायगोनल होते हैं रॉम्बस के, तो 1/2 × d1 कर दो d2 कर दो, तो हो गया। d1 का मतलब होता है पहला डायगोनल, d2 का मतलब होता है दूसरा डायगोनल, मतलब सेम रॉम्बस के दो डायगोनल होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ कहाँ पर है। देखो ये है रॉम्बस हमारा, रॉम्बस के साइड साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, मैं इसके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट में बोलोगे तो उसके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा। मैं सबको यहाँ पर रॉम्बस का जो डायगोनल दिखा रहा हूँ, देखो ये रहा डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल। तो इसका नेमिंग ले लो ए हो गया, ये इसको आप बी मान लो, ये हो गया आपके इधर सी, ये यहाँ पर डी, ठीक है। अच्छा तो ये होता है डायगोनल। तो यहाँ पर मैंने लिखा एरिया ऑफ रॉम्बस इक्वल टू हाफ d1 × d2। तो बस मुझे आपको यहाँ पर से दिखाना था, ये फिगर इस क्वेश्चन से कोई रिलेट नहीं करता है, ये मैंने अलग से आपको दिखाया कि डायगोनल देखो ऐसे यहाँ पर होता है डायगोनल रॉम्बस का, ओके। तो इसको हम रब कर देंगे, तो जिसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि रॉम्बस ऐसा दिखता है, देखो, ठीक है। अच्छा, ये फिगर को ये क्वेश्चन के साथ कुछ का लिंकअप नहीं है, ये अलग है। अब हम चलो सवाल पे आते हैं। तो हमें यहाँ पर सवाल में क्या गिवन था कि हमें एरिया ऑफ रॉम्बस क्वेश्चन में गिवन है 98 मीटर स्क्वायर, ओके। अच्छा, हमें एक डायगोनल गिवन कर दिया 14 मीटर, तो अदर डायगोनल हमें निकालना है, ठीक है। चलो तो हम पहले स्टार्टिंग में अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, स्टार्टिंग में आप ऐसे लिख दो कि एरिया ऑफ रॉम्बस हमें यहाँ पर गिवन है, एरिया ऑफ रॉम्बस इक्वल टू 98 मीटर स्क्वायर जो कि गिवन है, वन ऑफ इट्स डायगोनल, मेजर ऑफ वन डायगोनल, आप ऐसे लिखो चाहो तो स्टेटमेंट में आप ऐसे लिख सकते हो मेजर ऑफ वन डायगोनल, एक डायगोनल का जो मेजरमेंट है वो कितना है, मेजर ऑफ वन डायगोनल इक्वल टू 14 मीटर। इतना स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ रॉम्बस इक्वल टू हाफ d1 × d2, ये होता है फॉर्मूला। इसको आप इसको एक काम करो, इसको बॉक्स में रख दो, ठीक है। इतना लिखने के बाद कैसे इसको करना है, देखो तो आप यहाँ पर लिखो a.t.q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन, हमें क्या बोला गया है कि एरिया ऑफ रॉम्बस, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ रॉम्बस इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमारा, नहीं हमें फॉर्मूला यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रॉम्बस इक्वल टू कितना गिवन है हमें, 98 मीटर स्क्वायर, ओके। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको सिखाया था कि बच्चों जहाँ पर गिवन होगा, गिवन अगर एरिया इस तरह से गिवन है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ रॉम्बस इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 98 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, ठीक है, ये इक्वल टू का साइन है। तो इतना ये पार्ट जो इक्वल टू का लेफ्ट पोर्शन जो है वो हमारा LHS पार्ट है, और इक्वल टू का राइट वाला जो पोर्शन वो हमारा RHS पार्ट हो गया। तो यहीं पर हमें इक्वेशन एक मिल जाता है, ओके। अच्छा, इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। तो एरिया ऑफ रॉम्बस यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर एरिया ऑफ रॉम्बस ना लिख के इसके नीचे अगर मैं क्या लिखूँ, हाफ 1/2 × d1 × d2 लिखूं, इसमें कोई गलती नहीं होगा, गलती होगा क्या, क्योंकि एरिया ऑफ रॉम्बस जो है LHS के साइड में क्या था बताओ, एरिया ऑफ रॉम्बस यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इतना बड़ा, यहाँ पर इतना बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया ऑफ रॉम्बस,
अब मैं यहाँ पे नीचे एरिया ऑफ रोम्बस ना लिख के, मैं आप अगर ऐसे ऐसे आप सोच सकते हो कि ये जो इक्वेशन है, ये जो है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 98 मीटर स्क्वायर, ये इक्वेशन को मैं और मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है कि और उसको सुधार रहा हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस ना लिख के उसके जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखेगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। एरिया ऑफ रोम्बस की जगह मैंने क्या लिखा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। मैं इस इक्वेशन को, ये एरिया ऑफ रोम्बस जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मैं इस इक्वेशन को उसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, जैसे कि इक्वेशन अफेक्ट ना हो। एरिया ऑफ रोम्बस LHS के साइड में था, बस वो अफेक्ट ना हो, तो वो अफेक्ट नहीं हुआ है। देखो एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके नीचे मैंने सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखा है। तो क्या LHS पार्ट अफेक्ट हुआ, नहीं हुआ, बस वह चेंजेस हो गया। एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पर लिखा हुआ था LHS पार्ट में, बस उसकी जगह मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इक्वल टू, यहाँ पर जो 98 मीटर स्क्वायर है उसको वैसे ही रखो। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है हमारा, क्योंकि ऊपर वाला ये जो स्टेटमेंट जो है, नीचे वाला स्टेटमेंट वही है। ठीक है, अब इस इक्वेशन बोलो उसको, ऊपर वाला इक्वेशन जो है, नीचे वाला इक्वेशन वही है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस लिखा हुआ था, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाफ D1 इंटू D2, जो कि सेम ही है, एक ही बात है। अब एरिया ऑफ रोम्बस बोलो या फिर हाफ D1 इंटू D2 बोलो, एक ही बात है। ओके, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पर बन चुका है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, जिसका वैल्यू हमें गिवन है वैल्यू पुट कर दो। तो D1 के वैल्यू कितना है, देखो D1 के वैल्यू हमें गिवन है 14 मीटर। ओके, अच्छा तो चलो यहाँ पे लिख दो 14 14 मीटर, यहाँ पे लिख दो। अब किसी को भी D1 D2 कर, 14 मीटर जो है ना, आप इसको किसी को भी कंसिडर कर सकते हो। आप D1 को लो या फिर D2 को लो, क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया है कि फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल, वो बोला वन ऑफ फर्स्ट डायगोनल, एक डायगोनल इतना है। तो मान लो D1 14 मीटर है, इंटू D2 के बारे में हमें पता नहीं, सेकंड डायगोनल क्या होगा या फिर अदर डायगोनल क्या होगा हमें नहीं पता, उसको वैसे ही लिखो, इक्वल टू 98 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर। अच्छा अब D2 का वैल्यू निकालो, D2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसको आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, ये कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 इंटू, यहाँ पर मीटर मत लिखो, सिर्फ 14 लिखो, 7 इंटू D2 इक्वल टू 98 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक्चुअली इक्वेशन में यहाँ पर मीटर स्क्वायर सब नहीं लिखना लिखा जाता, ठीक है, आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो, बट लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि क्या निकला D2 का जो वैल्यू निकला, सिर्फ नंबर वहाँ पर मत लिखना, वहाँ पर सब यूनिट आपको वहाँ पर मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर D2 का जो वैल्यू निकलेगा कितना निकलेगा, देखो 98, आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो, नहीं तो अब यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे आप, यहाँ पर मीटर लिख लो, लिख लो यहाँ पर, ये यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है। ठीक है, तो D2 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, D2 इक्वल टू 98 मीटर स्क्वायर बाय कितना हो गया, 7 मीटर यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो ऊपर देखो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, नीचे 1 मीटर है, यहाँ पर m m^2 है, यहाँ पर सिर्फ m है, तो यहाँ पर ऊपर का, ऊपर 2 m है, नीचे 1 m है, तो ऊपर का 1 m नीचे का 1 m कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ बचा कितना, ऊपर 2 m था ना, तो एक तो कट गया, क्या बचा, 1 m बचा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। अब इसको 7 से देखो ये डायरेक्ट कट जाएगा शायद, इसको हम इसको काटते हैं, तो 7 के टेबल में देखो ये कितने टाइम्स में 98 हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर 7 1 7 करो, या फिर जिसको टेबल याद है वो तो आसानी से बता ही देगा कितना आंसर होगा। अगर आपको डायरेक्ट टेबल याद है तो आप बोल सकते हो इसका आंसर कितना होगा, ठीक है, क्योंकि 98 14 7 से कितना होता है, आपको 14 का अगर टेबल याद हो तो आप बोल सकते हो 14 × 7 होता है 98। इसलिए वो इसलिए कहा, इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ टेबल आप अच्छी तरह याद कर लो, ताकि आपको ऐसे कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, डायरेक्ट इसको याद होगा, अरे 14 × 7 98 होता है, तो यहाँ पर 7 है 98, इसका मतलब यहाँ पर क्या एबसेंट है, 14 एबसेंट है। अगर देखो कितना इंपॉर्टेंट है टेबल, अगर सपोज किसी बच्चे को 14 × 7 इक्वल टू 98 याद है, तो देखो इस चीज़ को कैसे आप यूज कर सकते हो कैलकुलेशन में, 14 × 7 कितना होता है, 98 होता है। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, 98 है, 98 है, यहाँ पर देखो 98 था, 7 है आपके पास, नीचे देखो यहाँ पर 7 है, नीचे 7, नीचे यहाँ पर 7 है, तो एबसेंट क्या है, 14 एबसेंट है, इसका मतलब यहाँ पर काटो, यहाँ पर 14 लिखो, डायरेक्टली ऐसे आप सोच सकते हो। तो टेबल याद ही टोटल आपको टेबल याद करना पड़ेगा, 14 × 7 98। अगर इस ये वाला स्टेटमेंट या फिर ये वाला टेबल किसको अगर याद होगा तो आराम से कैलकुलेशन उसका बहुत ईजियर हो जाएगा, नहीं तो आप वैसे तो डिवीजन कर कर जिसको नहीं आता है टेबल वो तो डिवीजन करेगा ही। अच्छा D2 के यहाँ पर वैल्यू कितना हो गया, D2 कितना हो गया 14 मीटर, तो यहाँ पर D2 का वैल्यू कितना हो गया 14 मीटर। तो हमें यहाँ पर जो अदर डायगोनल के बारे में जो पूछ रहा था हमें, तो ये रहा हमारा डायगोनल। ठीक है, आप चाहो तो स्टार्टिंग में यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर स्टेटमेंट जो स्टार्टिंग में आप चाहो तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि हियर, यहाँ पर लिख सकते हो चाहो तो, यहाँ पर लिख दो हियर D1 इज द डायगोनल, D1 इज द डायगोनल ऑफ रोम्बस। आप यहाँ पर स्टेटमेंट चाहो तो लिख दो D1 क्या है, D2 क्या है, और यहाँ पर D2 लिख दो, D2 क्या है हमारा, अदर डायगोनल, D2 रिप्रेजेंट्स अदर डायगोनल। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ये चीज यहाँ पर लिख दो। अच्छा तो लास्ट में जो हमारा आंसर निकला कितना निकला बच्चों, 14 मीटर। तो हम यहाँ पर देयरफॉर करके लिखेंगे द अदर डायगोनल, जो पूछा है हमें वही लिखेंगे, क्या पूछा है, फाइंड द अदर डायगोनल, तो यहाँ पर लिखो द अदर डायगोनल
अदर डायगोनल इज 14 मीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आंसर हमें मिल चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर सॉरी 8 चल रहा है हमारा, 8 का हमें आंसर मिल चुका है। तो मुझे बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, और जल्दी से 10K सब्सक्राइबर होने वाला है, जल्दी से 10K सब्सक्राइबर मतलब उसका होने में थोड़ा हेल्प करो, सपोर्ट करो, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम। और अगर हाँ, और एक बात यहाँ पर बोलना है मुझे, तो जो भी बच्चे यहाँ पर जानना चाहते हैं एरिया ऑफ रॉम्बस हाफ 1/2 इंटू डी वन इंटू टू टू कैसे आया, तो मुझे एक बार कमेंट करो, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, हाफ डी वन इंटू डी टू कैसे होता है, एरिया ऑफ रॉम्बस क्यों होता है हाफ 1/2 इंटू डी वन इंटू टू। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आपके एग्जाम्पल्स आपके बुक में जो एग्जाम्पल्स गिवन है उसमें ऑलरेडी गिवन किया गया है, आप चाहो तो वहां से देख के समझ सकते हो, अगर नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करो, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।